दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अमन अनबॉक्सिंग में। तो आज मैं अनबॉक्स करूंगा इस सैमसंग के ईयरफोन को। इसका मॉडल नंबर है EHS64। सैमसंग का ये ईयरफोन है, तो चलिए इसे हम पैकेट से बाहर निकालते हैं। तब से आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। इसे हम अनबॉक्सिंग नहीं कहेंगे, अनपैकिंग कर रहे हैं। ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके का ईयरफोन है देखने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर EHS64 और ईयरफोन कुछ ऐसा दिखने वाला है। और बॉक्स के पीछे हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस 499 रुपये दी गई है, लेकिन यह आपको अमेज़न पे 381 रुपये में मिल जाएगा। ये देखिए, और इसकी रेटिंग भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक, ये 4 की रेटिंग है इसकी अमेज़न पे। और ये 1 मीटर 19 सेंटीमीटर के आसपास का है। तो बिना किसी देरी किए हम इसे निकालते हैं इसके पैकेट से बाहर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा अनबॉक्सिंग के, बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों आप देख सकते हैं सैमसंग का ईयरफोन तो जानते ही आप, बहुत ही कमाल के होते हैं। इसमें हमको 2 ईयर टिप मिल जाएगी। इसे हम पैकेट से बाहर निकाल के दिखाते हैं। एक छोटे साइज़ की है और दूसरी बड़े साइज़ की, आप अपने कान के हिसाब से कोई भी चुन सकते हैं। ये देखिए, आप अपने कान के हिसाब से चुन सकते हैं आपको कौन सा लगाना है। इसे अब हम साइड में रखते हैं और फिर ये ईयरफोन, और इसमें कोई कागज पत्र नहीं मिलता हमें। इसे भी अब हम पैकेट से बाहर निकालते हैं। दोस्तों मुझे तो क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसे जो सैमसंग के मोबाइल के साथ ईयरफोन मिलते हैं वैसे ही इसकी क्वालिटी है इसके वायर की, और लगभग उसी साइज़ का है ये जितना बड़ा ईयरफोन आता है। जैसे आप सैमसंग कोई मोबाइल लेते हैं उसके साथ ईयरफोन मिलता होगा, अब शायद भले ही ना मिले, जो मिलता था पहले वही वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक वाला नहीं है, ये तो पता ही होगा जब मैंने ये टिप्स दिखाई आपको। दो ये देखिए रबर वाला है, ये देखिए देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी तक। और यहाँ पर इसकी वायर देख लेते हैं, वायर इसके अच्छे क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। आपको टच करने पर ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सस्ता वाला जो चाइना वाला होता है वैसा नहीं फील होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का बटन, वॉल्यूम अप डाउन का, और इधर एक बटन है कॉल रिसीव करने का, और इसे आप गूगल असिस्टेंट भी चला सकते हैं। अब मैं इसमें कोई गाना प्ले करता हूँ अपना, वही ऐतिहासिक जो मैं हर ईयरफोन में बजाता हूँ, यही देखिए सॉन्ग है। दोस्तों अब इसे मैं कान में लगाता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा मैं बताऊँगा कि कैसा ईयरफोन है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये चीज़, यहाँ पर राइट और लेफ्ट देखिए लिखा है, मैं इसे अपने हिसाब से लगाऊँगा, मतलब अपने हिसाब का जो लिखा है वही लगाऊँगा। दोस्तों इसके साउंड की क्वालिटी तो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत बहुत ही बढ़िया है।
आप सुनिए, आपको तो इसमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, अब मैं इस ईयरफोन को लगभग 5 से 7 दिन इसको यूज़ करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि ये ईयरफोन कैसा है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही अनबॉक्सिंग के वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए, अब रुकते हैं कुछ दिन के लिए। दोस्तों, लगभग 4 से 5 दिन हो चुका है, मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया है और ये बहुत ही अच्छा ईयरफोन है इस प्राइस रेंज में। जैसे 350 के आसपास का जो ईयरफोन आप लेते हैं, आपको सैमसंग का ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप गाना सुनेंगे बहुत ही हाई क्वालिटी का इसमें गाना बजता है, कान में कोई दर्द नहीं होता। अगर आप लगातार 1-2 घंटे अगर सुनते भी हैं तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसमें अगर आप 3D गाना सुनेंगे तब भी बहुत अच्छी तरीके से इधर से उधर जाता है ये, और ये जब आप गेमिंग करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसा नहीं है कि आप जैसे बहुत ईयरफोन होते हैं अगर आप कान में लगाएंगे तो गिर जाते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर आप दौड़ेंगे तो तब ही गिरेंगे, वैसे नहीं कि बैठे हैं अपने आप गिर जाता है, वैसी बात नहीं है इसमें। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं गाना सुनने के लिए, गेमिंग करने के लिए, तब आप ख़रीद सकते हैं। सभी के लिए है ये, गाना सुनने के लिए, गेमिंग करने के लिए, आप पिक्चर देखते हैं, कुछ भी करते हैं, ये ईयरफोन आपके लिए अच्छा होगा। इस ईयरफोन से पहले हमने MI का ईयरफोन लिया और एक होता है बोट का, उसको भी लिया, उसकी बात ठीक ठाक ही थे, लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छा ईयरफोन मुझे लगा। आप तो सैमसंग के यूज़र हैं, अगर सैमसंग का ईयरफोन आप यूज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि सैमसंग कितने हाई क्वालिटी के ईयरफोन बनाते हैं। ये देखिए, सस्ता ईयरफोन है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। अब मैं आपको इसकी माइक की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कि सुनाता हूँ कैसी है। अब इसमें मैं माइक लगा देता हूँ, इस टाइम जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया के माइक की है। अब मैं इसे बदल देता हूँ, दोस्तों जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं ये हमारे सैमसंग के माइक की आवाज़ है। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कौन अच्छा है, लेकिन बोया कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, मुझे तो पता है, क्योंकि बोया बहुत ही अच्छा माइक होता है। आप दोस्तों कमेंट में बताइए कि इसकी आवाज़ कैसी है। अब मैं बोया का माइक लगा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको 350 के आसपास में कोई भी अगर ईयरफोन को ख़रीदना हो तो आपको सैमसंग का ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अच्छे क्वालिटी में आपको मिल जाता है और सब बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। रबर भी जैसे इसका ये तार हो गया, ये भी अच्छे क्वालिटी के हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग या किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।